वेलकम बैक टू माय चैनल आपके श्रीवास्तव और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वर्कशीट्स लेकर आई हूँ कि आप अपने बच्चों को बना करके इस तरह से वर्कशीट्स में बिजी रख सकते हैं। कई बच्चे होमवर्क नहीं करना चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते, तो इन वर्कशीट्स के थ्रू आप बहुत आसानी से उन्हें बिठा करके बहुत देर तक प्रैक्टिस करा सकती हैं। तो ये वर्कशीट इतनी अच्छी है कि आप अपने बच्चे को बिजी रह सकती हैं एक दिखा करके पिक्चर्स, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है कि आप अपने बच्चों को जब बनाए दिखाएंगी तभी उसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, वो बैठ जाएगा आपके साथ उसे करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। सबसे पहले बच्चे को आपको कॉपी में कुछ इस तरह से कॉपी को सेट करना है बच्चों को। तो आप इस तरह से जब कॉपी को सेट करेंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा करने में। तो ए फॉर एप्पल, जब पिक्चर्स कॉपी पे भी होगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे को पता हो जाएगा कि ए फॉर एप्पल होता है। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट होमवर्क देंगे, जैसे यहां आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ए ए ए ए ए, यहां बच्चे को राइट करना है। इसी तरह से आप बी फॉर बॉल और इसी तरह से ट्रंक करके आप पेज में सी फॉर कैट डी फॉर डॉग बना सकते हैं। देन आफ्टर आप बच्चे को मैच इट करने के लिए देंगे। मैच इट कराना इंपॉर्टेंट है कि ए फॉर एप्पल आपके बच्चे को पता होगी तो ए फॉर एप्पल पे ही मैच करेंगे। इसी तरह से बी फॉर बॉल पता होगी तो बी फॉर बॉल पे मैच करेंगे। सी फॉर कैट पता होगी तो सी फॉर कैट पे मैच करेंगे। तो ये तो हुआ आपका कॉपी को सेट करने का। देन आफ्टर आप बच्चे को फाइंड द लेटर ए एंड सर्कल इट। सो यहां पर बच्चे को फाइंड करके और उसको सर्कल करना है, किसको, अल्फाबेट ए को। तो ए फॉर, बताओ इसमें ए कहां है, बच्चे को फाइंड करना है ए। तो यहां पर ए है तो बच्चा क्या करेगा, ए पर सर्कल कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट बच्चा और ए को फाइंड करेगा, वेयर इज ए, यहां ए है तो इसी तरह से सर्कल कर देंगे। तो आप फाइंड द लेटर ए, फाइंड द लेटर एम, फाइंड द लेटर के, जो भी लगता है आपके बच्चे को रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, जो भी अल्फाबेट्स आप फाइंड करने के लिए उसे दे सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्कशीट ले लीजिए, फाइंड द लेटर बी। सो कुछ इन दिस टाइप मैंने इसे आइसक्रीम में बनाया, तो आप भी आइसक्रीम में बना के बच्चे को कॉपी में दे सकते हैं। तो अब बी को फाइंड करना है, बच्चा बी को फाइंड करेगा, वेयर इज बी, हियर इज बी, तो सर्कल कर देना है। सो इन दिस टाइप आप इस कॉपी को सेट करना सीखें, क्योंकि बच्चे की जब तक कॉपी अट्रैक्टिव नहीं होगी वो बैठेगा नहीं स्टडी करने के लिए। इसी तरह से जब मैंने कॉपी तो सेट कर दी थी, बट एक रीजन ये भी आ जाता है कि कॉपी को करते करते बच्चे बोर हो जाते हैं, तब आप कुछ इन दिस टाइप पिक्चर्स को मेक करके और उस पिक्चर्स के अंदर भी उस अल्फाबेट्स को देकर के और वो क्वेश्चन आप राइट करके दोबारा उसे करा सकती है। जैसे कि यहां पर यह हुआ है फाइंड एम, तो आपको इस कैट को बनाना है इस तरह से और बच्चे को इसमें एम डब्ल्यू राइट कर देना है, क्योंकि एम एंड डब्ल्यू एकदम सिमिलर लगते हैं तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। तो आप इस तरह से इसको एम को बच्चा फाइंड करेगा, वेयर इज एम, हियर इज एम, तो एम पे सर्कल कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से फिर बच्चे को एम फाइंड करना, जिस तरह से अब बच्चे को एम फाइंड करके उसे सर्कल करना होगा। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट वर्कशीट बनाई है फाइंड द लेटर टी, तो बच्चे को अब इसमें लेटर टी को फाइंड करना है। तो अब यहां पर टी एंड आई सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, सो मैंने दैट्स व्हाई इसमें राइट किया हुआ। तो अब बच्चे को इसमें से टी को फाइंड करके उसको सर्कल करना है। तो अब इसमें से बच्चे को टी को फाइंड करना होगा और सर्कल करना होगा। डेफिनेटली आप इन दिस टाइप की वर्कशीट्स बनाइए और देखिए आपके बच्चा कितनी बहुत आराम से बैठ करके आपके साथ ये वर्कशीट करने लगेगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस बच्चे को जरूर करा के देखिए। देन नेक्स्ट है सर्कल द ऑड लेटर। यहां पर मैंने आर दिया हुआ है, अब आर से जो भी अलग लेटर होगा उसे बच्चे को सर्कल कर देना है। जैसे यहां पर के है तो ये ऑड है, तो अब बच्चे को क्या करना है, के पर, तो जो भी इसमें ऑड लेटर होंगे बच्चे को सर्कल करने होंगे। तो यहां पर के है तो के को सर्कल किया गया, यहां पर भी के को सर्कल किया गया, क्योंकि यहां आर दिया गया है तो आर ही होना चाहिए। इसी तरह से ए को भी बच्चे को देखना है और ए को देखते रहना है, और जहां अगर उसे कोई भी ऑड लेटर लगता है तो उसे सर्कल करना है। जैसे यहां पर बी ऑड है, यहां पर भी वी ऑड है, यहां पर भी वी ऑड है, इसी तरह से ई का देख लीजिए, यहां पे बच्चे को ई को ही देखना है, लेकिन ई से जो भी ऑड होगा उसे बच्चे को सर्कल कर देना है। जैसे यहां पे एफ है तो यहां पे एफ है, इसी तरह से बी ले लीजिए, यहां पर आर है, यहां पर बी होना चाहिए तो यहां पर आर है, तो ये भी ऑड है तो इसे सर्कल करना होगा। इसे आर है तो सर्कल करना, यहां आ रहा है तो सर्कल करना, यहां आ रहा है तो सर्कल करना है। सो इन दिस टाइप आप वर्कशीट्स रेडी करके बच्चों को बिजी रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच इट, और आपको एक और चीज बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें बहुत मेहनत लगती है तो आपका एक लाइक बनता है।
सो मैच इट करने के लिए आप दे सकते हैं बच्चे को इन दिस टाइप. इसी तरह से आप शॉर्ट शॉर्ट बना करके एवरीडे बच्चे को मैच इट करने के लिए, सर्कल द ऑड लेटर और कुछ भी फाइंड करने के लिए आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करा सकते हैं. जैसे अब ए है तो ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चे को इसमें फाइंड करना है ए फॉर एप्पल और उसे मैच कर देना. इसी तरह से बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.